आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको 5 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ कि आपका ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे देखिए, ब्लाउज तो आप बहुत अच्छा कटिंग कर लेते हैं लेकिन पफ आपका साइड हो जाता है, तो टक्स कैसे लगाना है वो मैं पहले बताऊँगी आपको। दूसरा नंबर पर यहाँ देखिए, बहुत लोगों से होता है क्या कि पीछे का पल्ला बड़ा, आगे का पल्ला छोटा, आगे का पल्ला बड़ा, पीछे का पल्ला छोटा हो जाता है, तो कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ देखिए, हमारा आगे पीछे एकदम बराबर परफेक्ट है। अब देखिए तीसरा गलती क्या होता है कि यहाँ देखिए, जो स्लीव्स जो जोड़ते हैं तो कोने पे यहाँ जो जॉइंट होता है ना, वो आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ आप क्या गलती करते हैं, कैसे आपको जोड़ना है वो भी मैं बताऊँगी। अब देखिए, बहुत लोग सीधा फिटिंग नहीं ला पाते, तो सीधा फिटिंग लाने का भी कारण होता है, जैसे अब कैसे करेंगे जो सीधा फिटिंग आएगा। बहुत लोगों से ये देखिए कि बेल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत लोगों से एक साइड का गला ज़्यादा हो जाता है, एक साइड का कम हो जाता है, तो कैसे आपको हाइपोटी हुपोटी जोड़ना है वो भी मैं बताऊँगी। और देखिए, जैसे ब्लाउज़ बनाते बनाते कपड़ा भी कम बचता है, तो गले में जोड़ने के लिए उरेप पट्टी नहीं बचता, ज़्यादा कपड़ा नहीं बचता, इसीलिए उरेप पट्टी भी नहीं निकाल पाते, तो सीधे कपड़े से कैसे आप गले में पट्टी जोड़ेंगे वो भी बताऊंगी। यहाँ देखिए, हमारा जो साइड फिटिंग है वो पूरा स्ट्रेट लाइव में सीधा फिटिंग हमारा आया है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ब्लाउज के उल्टे साइड तरफ से मैं आप लोग को पट्टी दिखा रही हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है ये देखिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से ब्लाउज़ बनाना है तो वीडियो को आपको थोड़ा टाइम निकाल के देखना ही पड़ेगा, और पसंद लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीरा से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, एक गला को मिला के रखेंगे और एक पल्ला इस साइड, दूसरा पल्ला इस साइड करते हुए आपको रखना है। तो टक्स का निशान आपको दिखता होगा, कटिंग के टाइम में मैं लगाई थी लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ। तो ये हमारा मेन टक्स होता है, ये 38 साइज़ का ब्लाउज है, तो 4.5 इंच के दूरी पे ये निशान लगाऊंगी मैं। इंची टेप को यहाँ से फिर ऊपर खिसकाना है और एक पॉइंट आपको हल्का तिरछा करना है, ठीक है, ये आपको हर साइज में करना है। और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर, ये देखिए, ये आपको हर साइज में हल्का तिरछा करना है, जितना आप मेन टैक्स लगाएंगे उससे एक पॉइंट ऊपर हल्का तिरछा कर दीजिए। और यहाँ से 1.5 इंच के चौड़ाई में, बड़ा पफ बनाना है तो 1.5 इंच यहाँ से पकड़िए, छोटा पफ बनाना है तो 1 इंच की चौड़ाई पकड़िए, ठीक है। अब आपको सिंपली एक चूड़ी टाइप में आपको गुलाई लगा देना है, ये देखिए। अब चूड़ी टाइप में लगाने के बाद 2-2 इंच के गैप में आपको तीनों साइड से निशान को फैला देना है, एक आर्मोल साइड, एक गले तरफ और एक मार्जिन साइड, ये देखिए। अब देखिए, यहाँ से ध्यान से समझिए, आपका गलती यही होता है कि ये जो टैक्स है ना, ये हल्का आपको पीछे रखना है। पीछे रखने से ये टैक्स अगर थोड़ा इधर या थोड़ा इधर हो जाएगा ना, तो ये मैनेज कर लेता है, तो ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। अब देखिए, ये हेवी साइज है तो 4.5 इंच पे लगाई, अगर सिंपली 30-34 इंच का है तो 4 इंच पे लगाइए, अगर उससे हेवी है तो 4.5 इंच पे कीजिए। जैसे 36 साइज का है, अगर 40-42 साइज का है तो 4.5 इंच पे टक्स लगाइए, ठीक है। तो ऐसे लगाने से आपकी टक्स कभी साइड नहीं होगा। अब दूसरा पल्ला को इसके ऊपर आपको टैप करना है रख करके, और बस निशान को डार्क कर देना है। अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को सिलने का तरीका बताती हूँ। कपड़े को डबल करना है और यहाँ से तिरछा सिलाई लगाना है। अभी आप ये सोचेंगे कि हल्का तिरछा कपड़ा सिलाएगा कैसे, तो ये देखिए, यहाँ से आप कपड़ा बराबर करके रखेंगे ना, तो यहाँ ऑलरेडी तिरछा हो जाएगा। यहाँ देखिए हल्का कम है और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ साफ आप देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ तिरछा सिलाई लगा दीजिए, ये देखिए, यहाँ मैं सिलाई लगा दी, अचानक हमारा कैमरा यहाँ ऑफ हो गया, यहाँ मैं नहीं दिखा पाई आपको। अब देखिए, दूसरा टक्स भी आपको इसी तरह सील लेना है। यहाँ से देखिए 2 इंच ऊपर, यहाँ से 2 इंच ऊपर आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ आर्मोल में समझिए, बहुत लोग आर्मोल में ही गलती करते हैं, जो साइड फिटिंग सही से नहीं आ पाता, आगे पीछे हो जाता है, फुलक जाता है। तो यहाँ देखिए, आपको देखिए आगे पीछे यहाँ कपड़ा करके नहीं पकड़ना है, यहाँ बराबर करते हुए पकड़िए, जहाँ निशान लगाएं वहाँ से मिला के रखिए, ये देखिए, जहाँ आपका आर्मोल में कपड़ा बराबर हो रहा है वहीं से पकड़ के सिलाई लगाना है, और निशान के ऊपर मिलाते हुए सिलाई लगा के निकल जाना है, ये देखिए। अब देखिए, यहाँ से मैं चारों टक्स लगा दी, ये देखिए इसकी फिनिशिंग। अब देखिए, टैक्स लगाने के बाद ना हल्का कपड़ा यहाँ से साइड से बढ़ जाता है और इधर से भी हल्का बढ़ जाता है, उसे कटिंग करके आप निकाल दीजिए। अब यहाँ बेल्ट जोड़ना बता रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए,
बेल्ट का तीछा जो सेप होता है वो हम इस साइड से जोड़ेंगे गले तरफ से। गले तरफ से आपको जोड़ना स्टार्ट करना है। अब जोड़ने का भी तरीका यहाँ समझिए, जैसे यहाँ बेल्ट जो है ना वो तो हल्का तीछा होता है, इसीलिए यहाँ का नोक हल्का आपको बढ़ा के रखना है। ये देखिए हल्का आगे बढ़ा दीजिए नोक को हाफ इंच, उसके बाद सिलना स्टार्ट कीजिए। अब ये भी समझिए, ये जो यहाँ टक्स का जो कपड़ा होता है इसे आप इस तरह से सीधा सिलते हुए आपको नहीं निकलना है, इसे इस टाइप से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए फोल्ड करने से क्या होता है ना कि पफ चपटा नहीं होता, फोल्ड करके फिर सिलाई लगा दीजिए। फिर आपको यहाँ से बेल्ट को सीधा करना है और जो नीचे वाला जॉइंट कपड़ा वो बेल्ट तरफ करना है और ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ मैं बेल्ट जोड़ ली, सेम प्रोसेस से आपको दूसरा बेल्ट भी जोड़ लेना है। यहाँ देखिए मैं दूसरा बेल्ट भी जोड़ ली और दूसरा पफ भी सेम प्रोसेस से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अस्ट्रा कपड़ा साइड से हल्का सा तो कट कर दीजिए। ये देखिए अब दोनों पल्ला हमारा तैयार हो गया। अब एक साइड हम हुक पट्टी और एक साइड हम हाई पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं कपड़ा ले ली, जितना आपका यहाँ पट्टी की लंबाई है उतना आप पट्टी ले लीजिए। यहाँ मैं नाप करके कट कर रही हूँ, ये देखिए उतना लंबाई आपको लेना है। अब यहाँ समझिए, जो आपकी हाई पट्टी है उसे 2.5 इंच चौड़ाई रखिए और जो हुक पट्टी है उसे 1.5 इंच की चौड़ाई में आप रखिए। तो ये अस्ट्रा थोड़ा मैं कट करके निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ समझिए ये मैं जोड़ रही हूँ हुक पट्टी का, तो हुक पट्टी को पल्ला सीधा रखना है और ऊपर से पट्टी को रख करके जोड़ना है। ध्यान से समझिएगा, पल्ला को सीधा रखिए और पट्टी के इसके ऊपर रख करके सिलाई लगाई, फिर पट्टी को सीधा करके आपको ऊपर से एक चाप वाला सिलाई लगा देना है। ये देखिए अब आपको कपड़े को उल्टा करना है और यहाँ से हाफ इंच लेते हुए आपको फोल्ड करना है। और फिर जितना पट्टी को आप जोड़े उतना पूरा आप इसमें फोल्ड कर दीजिए। फिर यहाँ से एक लंबा सिलाई लगाइए आप, कच्चा सिलाई, तुरपाई करने के बाद इसे तोड़ देना है। अब मैं आपको यहाँ से हुक पट्टी हाई पट्टी जोड़ने के लिए बता रही हूँ। हाई पट्टी जोड़ने में गलती करते हैं लोग, इसीलिए उनका गला एक साइड से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखिए आपको पल्ला को उल्टा करना है और पट्टी को उल्टे तरफ से रखना है। ये देखिए आगे का पल्ला को मैं उल्टा रखी हूँ, उल्टे तरफ से पट्टी को रखी हूँ। अभी आपको लगेगा कि पट्टी शायद उल्टा जोड़ा गया है हमारा, लेकिन देखिए यहाँ का प्रोसेस आप समझिए कि आपको करना क्या है। जैसे देखिए पट्टी मैं यहाँ जॉइंट कर रखी हूँ, ये हमारा जहाँ मैं निशान लगाई यहाँ हमारा पट्टी जुड़ा हुआ है। तो देखिए पट्टी को हम फोल्ड करेंगे हाफ इंच के ऊपर। ये देखिए हाफ इंच चढ़ाते हुए हम पट्टी को फोल्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा हमारा गला जो है वो मैनेज में आ जाएगा। अगर हम जहाँ पट्टी को जॉइंट किए वहीं पट्टी को फोल्ड करेंगे ना, तो यहीं से गला बढ़ जाता है, फिर एक साइड से गला ज़्यादा और दूसरे साइड से गला कम हो जाता है। तो ये देखिए इसके ऊपर मैं पट्टी को फोल्ड कर दी और यहाँ से पिन अप कर ली। अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो पिन अप कर लीजिए, संभाल पा रहे तो डायरेक्ट सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए फिर पूरे किनारे में सिलाई लगाने के बाद फिर एक पॉइंट की दूरी में एक और सिलाई लगाना, इसी के बीच में हाई होगा इसीलिए। ठीक है, अब पिन को फिर निकाल देना है। अब देखिए इसका गला देखिए कहीं से भी बड़ा नहीं लग रहा है, सेम गला मैं मिला के आप लोग को दिखा रही हूँ। दूसरा गला देखिए, ये देखिए ये गला दोनों देखिए दोनों आपको बराबर लगता होगा देखने में। अब यहाँ समझिए आपको करना क्या है, बेल्ट है ना तो बेल्ट को यहाँ से बराबर करते हुए रखना है। ये देखिए दोनों सिलाई जो बेल्ट का है यहाँ एकदम बराबर करते हुए आपको रखना है, ऐसे आगे पीछे नहीं कीजिएगा, आगे पीछे करेंगे तो एक तीरा ऊपर एक तीरा नीचे हो जाएगा। बराबर करके बराबर रखने के बाद आपको यहाँ देखिए करना क्या है, गले में आपको नाप के देखना है हाफ इंच छोड़ते हुए, तो गला मुझे यहाँ रखना है 7.5 इंच। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं गला हमारा कम कटा हुआ है, तो यहाँ बढ़ाते हुए निशान लगा दी मैं और इसका गुलाई दे दी। देखिए मैं आप लोग से ज़रूर कहूँगी कि हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने के बाद गले की गुलाई आप ज़रूर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि गला मैं पहले से कट कर दी तो हमारा गला परफेक्ट आ जाएगा। देखिए पट्टी जुड़ने के बाद ना गला थोड़ा सूखड़ जाता है, ठीक है, तो हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने के बाद गले को इस टाइप से गुलाई ज़रूर दीजिए जैसे मैं दे रही हूँ।
पहले आप देख लीजिए कि गले की चौड़ाई ज़्यादा है कि कम है, कम लगे तो गुलाई ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा है तो सिर्फ हल्का गोल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं गले की गुलाई दे दी, लेकिन चेक आपको ज़रूर करना, जैसे तैसे आप सिलना नहीं लगिएगा, सिलने नहीं लगिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बेल्ट को बराबर करते हुए रखी, वैसे रख के आपको गले की गुलाई देना है। अब मैं आपको बैक पार्ट सिलना बता रही हूँ। ये देखिए गलती यहाँ से आप करते हैं, यहाँ जब नीचे साइड आप फोल्ड करते हैं ना, तो यहाँ ज़्यादा कपड़ा पकड़ देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, फिनिशिंग सही नहीं आ पाती है। तो कटिंग के टाइम में यहाँ मैं कट लगाई हूँ, तो कट के बराबर में ही कपड़े को मैं फोल्ड करूँगी। यहाँ से देखिए निशान मिला के मैं रखी और यहीं से कपड़े को इतना ही फोल्ड करूँगी जितना हमारा निशान है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक साइड कपड़ा ज़्यादा एक साइड कम पकड़ देते हैं, तो एक साइड से फिनिशिंग सही से नहीं आ पाती इसीलिए, ठीक है। ये देखिए पीछे साइड जो डॉट होता है, तो डॉट यहाँ पहले मैं लगा लेती हूँ। डॉट भी बहुत लोग एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम सिल देते हैं, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद टैप कर लीजिए, दूसरा तरफ आपको सेम निशान मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको हाफ इंच लेते हुए सिलाई करना है, हाफ इंच से कम नहीं पकड़िएगा यहाँ, और तिरछा सिलाई लगाना है। ये देखिए तिरछा करते हुए सिलाई लगा के आपको निकल जाना है, जैसे साफ आप वीडियो में देख रहे हैं। अब देखिए अब आपको करना क्या है, फिर से यहाँ नाप के देख लेना है। ये देखिए कि कहीं से हमारा आगे पीछे तो नहीं हुआ, बराबर परफेक्ट आ रहा है या नहीं, तो ये हमारा पूरा बराबर आ रहा है। अगर छोटा बड़ा हो जाए तो आर्मोल तरफ से गुलाई दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बैक पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर आगे को पल्ला रखना है उल्टा, ये देखिए, और हाफ इंच लेते हुए आपको शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर में हाफ इंच कपड़ा पकड़ना है, हाफ इंच से कम नहीं पकड़िएगा, ठीक है। अब देखिए शोल्डर जोड़ने के बाद आपको क्या क्या करना है वो अब यहाँ ध्यान से समझिए। पहले आपको हाई पट्टी हुक पट्टी पकड़ना है और एक के ऊपर एक रख करके और पिन अप कर लेना है। दो पिन यहाँ मैं लगा ली, ये देखिए अब ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अब फिर आपको उल्टा करना है और फिर बैक पार्ट में एक बीच सेंटर में एक निशान लगाना है आपको, और फिर वहाँ से पकड़ते हुए आगे का पल्ला आपको फंसाना है। अब आप साइड से चेक कर लीजिए, कोई कपड़ा अगर आगे पीछे हो रहा है आर्मोल के पास तो उसे बराबर के गुलाई दे दीजिए, और अगर साइड से अगर आगे का पल्ला बड़ा या पीछे का पल्ला हो रहा है बड़ा, तो उसे भी कट करके अब बराबर के निकाल दीजिए, ठीक है। अब नीचे साइड देखिए एक्स्ट्रा जो हमारा है उसे हम फिनिशिंग के साथ निशान लगा लेंगे, ये हमारा बेल्ट में नीचे साइड फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से पिन को निकाल देना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिला है इसे हम नीचे साइड फोल्ड कर देंगे, ये देखिए फिनिशिंग के साथ आपको फोल्ड कर देना है। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से आपको लंबा सिलाई लगा देना है, तुरपाई करने के बाद फिर सिलाई को तोड़ देना है। अब देखिए बहुत लोगों से ये भी होता है ना कि हाई पट्टी बड़ा हुक पट्टी छोटा, हुक पट्टी बड़ा हाई पट्टी छोटा कर देते हैं, तो जब आप यहाँ फोल्ड करेंगे ना तो पहले नाप के आपको देख लेना है और निशान लगा करके उसके बाद यहाँ फोल्ड कीजिए, तब आपका छोटा बड़ा नहीं होगा पट्टी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्लीव्स पे, यहाँ आस्तीन में ले रखी हूँ, और डेढ़ इंच मैं पहले फोल्ड करूँगी तुरपाई के लिए। ये देखिए स्लीव्स को मैं साइड से जोड़ रखी हूँ, कपड़ा हमारा कम था इसीलिए। अब पहले यहाँ मैं फोल्ड कर लेती हूँ। अब देखिए बहुत लोग ये भी करते हैं कि एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम फोल्ड कर देते हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बताई, तो पहले देखिए आप हल्का फोल्ड कीजिए कपड़े को, उसके बाद फिर दोबारा फोल्ड कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपका एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ लंबा सिलाई आपको लगाना है, तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम तोड़ेंगे इसीलिए। अब देखिए फोल्ड करने के बाद आपको स्लीव्स को डबल करना है, इस तरह से दोनों स्लीव्स को एक के ऊपर एक डबल करके रखिए बराबर करते हुए। ये देखिए बराबर करके एकदम आर्मोल के कोने पे आपको रखना है, आगे पीछे नहीं रखिएगा, यहीं से आपका जो सिलाई है आर्मोल के कोने पे आगे पीछे हो जाता है। बराबर करते हुए अगर थोड़ा बहुत अस्ट्रत उसे कट करके आप निकाल दीजिए। ये देखिए जैसे हल्का हमारा बढ़ा हुआ लगा तो मैं कट करके निकाल दी, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, यहीं से तो सिलाई आगे पीछे होता है आर्मोल के कोने पर। अब देखिए ध्यान रखिए कि दो इंच जो मार्जिन रखें वहीं तक आपको गुलाई देना है, ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं कट करना है, ठीक है।
अब एक के ऊपर एक मैं स्लीव्स को रख ली। अब एक साइड से हम जो हाफ इंच डाउन करते हैं हम आगे साइड वो हम करेंगे। पहले 20 सेंटर में आस्तीन की निशान लगाई और फिर एक इंच की दूरी में और निशान लगाई और देखिए इस तरह से हाफ इंच में डाउन कर दी। ये देखिए मार्जिन तक ही आपको करना है, मार्जिन से इधर नहीं कीजिएगा। इधर करेंगे तो फिर आपका आस्तीन के कोने पर स्लीव्स आगे पीछे हो जाएगा सिलाई। अब ये देखिए बहुत लोग भूल जाते हैं किधर से हमारा हाफ इंच में डाउन कर रखी हूँ, तो इसीलिए आपको यहाँ लिख लेना है। यहाँ देखिए मैं आगे लिख दी तो इससे याद रहेगा कि हमारा आगे साइड का है। सिंपली आपको आगे सिर्फ लिख देना है, इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शोल्डर को मैं बराबर करते हुए रखी, आस्तीन को भी बराबर करके रखना है शोल्डर के ऊपर और यहाँ से आपको सिलाई लगाना है। ध्यान रहे कि ये जो आगे लिखा है ये आगे पल्ले तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छे से आप स्लीव्स को जोड़ लीजिए। अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ भी स्लीव्स के कंधे पे आप बहुत लोगों को उठा उठा लगता है देखने में, तो सिलाई में आधे दूर पे लगाई तो थोड़ा उधर से ही आपको मिलाते हुए सिलाई को लेना है, तो यहाँ से आपका स्लीव उठा उठा नहीं लगेगा। एक इंच की और दूरी से मिलाते हुए लेंगे तो ठीक है, फिर डबल सिलाई आप लगा दीजिए। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद यहाँ समझिए आपको सीधे साइड तरफ से कपड़े को डबल करना है। ये देखिए कपड़े को मैं सीधे साइड तरफ से डबल की, जॉइंट को भी देखना है कि जॉइंट दोनों जॉइंट को एक साइड रखना है, जिधर से भी आप रखेंगे एक साइड करते हुए आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, एक पॉइंट लेते हुए आपको सिलाई लगाना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब फिर उल्टा कीजिए, आप ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद अच्छे से इसमें देखिए अच्छे से आपको डबल करना है। ये देखिए मैं कटिंग के टाइम में यहाँ भी कट लगाई थी, जो फिनिशिंग वाला होता है ना निशान, वहाँ में कट लगाई थी, तो यहाँ हमारा निशान है, कट है। ये देखिए फिर बराबर करते हुए आपको लेना है। कटिंग का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पर देखिए, कटिंग भी बहुत ही डिटेल से मैं बताई हूँ, वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 7 इंच हमारा आस्तीन है, पूरे गुलाई आस्तीन की 14 इंच है, तो मैं निशान लगा दी। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, ये देखिए पूरा आपको सीधा कर देना है और फिर सिलाई लगा देना है। अब देखिए इसकी फिनिशिंग, यहाँ थोड़ा सा अभी सिलाई आगे पीछे नहीं है, एकदम परफेक्ट आया है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि जब भी आप आर्महोल जॉइंट करेंगे, आस्तीन जॉइंट करेंगे, तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि हमारा साइड तरफ मार्जिंग ऊपर नीचे तो नहीं है कपड़ा, या आस्तीन में ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे तो पहले आप आर्महोल साइड से गुलाई दे दीजिए, आस्तीन की नीचे साइड से गुलाई दे दीजिए, जैसे मैं दी, ठीक है। अब देखिए दोनों आस्तीन में यहाँ जोड़ दी। अब गले की पट्टी लगाएंगे। अब गले की पट्टी में भी आप समझिए, यहाँ साफ आप देख पा रहे हैं कि हमारा कपड़ा जो है एकदम सीधा सीधा कपड़ा है, उरेफ कपड़ा में नहीं कट कर रखी हूँ, इतने ही कपड़ा हमारे पास था तो मैं सीधा सीधा कट कर ली। और ये देखिए, अब देखिए इसमें थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, इस तरह से तीछा तीछा आपको कट लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा पट्टी को नहीं जोड़िए, सीधा सीधा जोड़ेंगे ना तो पट्टी मोटा हो जाएगा एक जगह, तो तीछा तीछा कट लगा करके और एक तिरछा इस साइड और एक तिरछा इस साइड मिलाते हुए यहाँ आप जोड़ लगाइए। सभी को आपको इसी तरह से जोड़ लेना है। तो यहाँ मैं पूरे पट्टी को जोड़ ली, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं पूरे पट्टी में जोड़ ली। ध्यान रहे कि पट्टी की चौड़ाई सिर्फ 1.25 इंच आपको रखना है, ठीक है। अब हम गले के ऊपर जोड़ेंगे। ब्लाउज़ को आपको सीधा रखना है और पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है, पट्टी को डबल नहीं कीजिएगा, सिर्फ उल्टा रखते हुए 2 पॉइंट कपड़ा पकड़ के आपको सिलाई लगाना है। ज़्यादा कपड़ा यहाँ नहीं पकड़िएगा, सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ते हुए पूरा सिल लीजिए। ये देखिए सिलने के बाद अगर कहीं से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे कट करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझिए आपको करना क्या है, ये जो जॉइंट है ना नीचे वाला जुड़ा हुआ कपड़ा, वो आपको पट्टी तरफ करना है और इस तरह से पट्टी को सिर्फ एक बार फोल्ड करना है और फिर ब्लाउज को आपको सीधा करना है। इधर से पता चल जाएगा कि आपका पट्टी चौड़ाई में कितना रह रहा है, पूरा सफाई से इधर से आपको दिख जाएगा। तो सीधा तरफ करके और सिलाई ऊपर से लगाते जाइए, पट्टी को नीचे साइड फोल्ड कीजिए और ऊपर से सिलाई लगाते जाइए। ये देखिए
पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा चौड़ा नहीं रखिएगा, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अब देखिए यहाँ जहाँ गले की गुलाई है ना, वहाँ छोटा एक कट लगा दीजिए। कट लगाने से क्या होगा, गले की पट्टी अच्छे से गले पे बैठ जाएगी। सिर्फ गुलाई में आपको लगाना है, पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से सिलाई पूरा लगाते जाइए। ये देखिए पूरी फिनिशिंग इसकी देख पा रहे हैं आप, एक जैसा पूरा पट्टी लगा हुआ है। जो अभी सीखना शुरू किए हैं ना, जिससे पट्टी गले में छूट जाता है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इजी तरीका है। बहुत ही आसानी से इस तरह से पट्टी आप जोड़ सकते हैं। कहीं कहीं एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर दीजिए। ये देखिए इससे क्या होगा ना कि गले में पट्टी कहीं नहीं छूटेगा, पूरा फिनिशिंग के साथ गले पर लग जाएगा। तो पूरा फिनिशिंग ब्लाउज मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए इसे फिनिशिंग के साथ इस तरह फोल्ड करके तुरपाई कर दे रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग लाइक करते ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर कीजिए।